तो और वैक्सीन्स और फैसिलिटीज आज की आवश्यकता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें। उसके लिए ये बात सामने आ रही है कि अब क्या हम बाहर के देशों को देने के पहले पहले अपने 137 करोड़, आखिर भारतवर्ष दुनिया का 1/6 हिस्सा मानवता का है, मानव आबादी का 1/6, 1/5, 1/6 हिस्सा भारतवर्ष है, तो और देशों को जरूर देने की स्थिति आप बनाएं, लेकिन सुनिश्चित करें कि टीकाकरण की जो हमारी संपूर्ण क्षमता है, हम एक साथ सबको नहीं दे सकते। अगर हमने इतना निर्माण कर लिया वैक्सीन का कि हम बाहर भी कुछ दे सकते हैं, सरप्लस भी हमारे पास है, क्योंकि हम लगा नहीं सकते। क्या एक दिन में हम वैक्सीन भारत में लगा सकते हैं 137 करोड़ लोगों को? नहीं लगा सकते, ना तो वैक्सीन है ना संसाधन है। तो जो हमारे पास संसाधन है उसकी तुलना के अनुरूप हमको ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि बाहर अगर हमको देना है तो उतना ही पहले देना है जितना अपने देशवासियों को पहले लगाने की क्षमता की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर लें, फिर सरप्लस है तो जरूर सबके लिए। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि और वैक्सीन्स उपलब्ध कराएं। एक और देशों में अगर फाइजर जैसी या मॉडर्ना जैसी भी वैक्सीन्स हैं, अभी भारत सरकार पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को फंड कर रही है, उसमें इन्होंने एक छूट ये भी दी या एक परिवर्तन लाया कि प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई जाके लगाते हैं तो 250 रुपये, 100 रुपये वैक्सीनेशन के और 150 रुपये भारत सरकार को मिलेंगे। यानी भारत सरकार नागरिकों से पैसे लेने के सिलसिला उन्होंने चालू किया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ओपन मार्केट में कुछ कंपनियों की जो विदेश में प्रमाणित कंपनियां हैं उनकी वैक्सीन भी उपलब्ध कराएं। वो पैसे दे के जो लोग लगाना चाहते हैं या सक्षम है वो अगर लगा लेते हैं तो देश की निर्मित वैक्सीन भी उपलब्ध रहेंगी और लोगों को कम समय में वैक्सीनेशन के लिए। सर ये जानना चाहेंगे कि